हमारे हाथ और पैर बांध के हमारी जेब से चाबी निकाल ली और ठेके में जाके ताला खोल के कम से कम 16-17 लाख कमा लूंगा। और झुंझुनू में हुई शराब की दुकान पर बड़ी लूट, हथियार के बल पर करीब 20 लाख रुपए की शराब ले गए लूट। सूचना पर पहुंची पुलिस, लुटेरे ने दोनों सेल्समैन को रस्सी से बांधा, बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम। झुंझुनू पुलिस के लिए यह वारदात बड़ी चुनौती। झुंझुनू के मंडावा रोड पर सीतसर में हथियार के बल पर शराब की दुकान लूट ली गयी। दुकान में करीब 20 लाख रुपए की शराब भरी हुई थी। लुटेरे पिकअप लगाकर पूरी दुकान खाली कर गए। झुंझुनू पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है। मामले के अनुसार सीतसर में अंग्रेजी शराब की दुकान है। रात को पिकअप में सवार होकर 3-4 लोग हथियार के साथ आते हैं। दुकान में मौजूद दोनों सेल्समैन को बंदूक की नोक पर डराया जाता है और उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। आवाज करने पर गोली मारने की धमकी दी गई। इसके बाद शराब की दुकान में रखी शराब को पिकअप में भर लिया और मौके से फरार हो गए। किसी तरह सेल्समैन ने दुकान के मालिक को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। हालांकि सीसीटीवी कोई खास चीज नजर नहीं आ रही है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया। यह शराब की दुकान लुटेरे रात को लगभग 2 घंटे तक मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं सीतसर दुकान का सेल्समैन हूँ। मैं कल रात को इस रूम में सो रहा था तो कई बार से 10 बंदे आए। हम 2 जने रहे, सेल्समैन थे, तो हम सो रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, हमारे हाथ और पैर बांध के हमारी जेब से चाबी निकाल ली और ठेके में जाके ताड़ा खोल के कम से कम 16-17 लाख कमा लूंगा और 90-95 नकद होंगे वो लेके चले गए। मेरा नाम किशन सिंह सर। ठीक है सर, वो बोल तो रहे थे कि आप हमारे हाथ पैर बांधे ना, तो वो बोल रहे थे कि अगर तुम हिले ना तो तुम्हारी गोली मारते हैं। ठीक, ये शराब का ठेका है, यहाँ पे आप देख रहे हो सामने। यहाँ पे आज सुबह की घटना है, ये लगभग 1:45 बजे की घटना है। तो हमारे पास में करीब 3:45 के आसपास फ़ोन आया था कंट्रोल रूम में। फ़ोन नहीं है एक्चुअली, क्या थाने में पता चला था 4:30 के आसपास इन्होंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था। मेरे को भी सूचना मिली है, हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा और तो कहीं से कुछ ताले वगैरह तो टूटे हुए नहीं है। शराब की पेटियों का इनका कहना है, दुकान वालों का, कि शराब की पेटियाँ करीब 150-200 पेटियाँ हैं, वो यहाँ से 5-6 अज्ञात लोग थे वो लेके गए हैं। यहाँ पे 2 सेल्समैन रहते हैं, उनसे पूछताछ की है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे हैं, तो आरंभिक तौर पे कुछ क्लूज़ मिले हैं, तो इन्हीं क्लूज़ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं।